गाइस वेलकम टू गैजेट जोन एंड आज गेमर्स से लेकर पीसी एंड लैपटॉप यूजर्स स्टूडेंट्स एंड बाकी के लोगों के लिए भी आने वाले हैं कुछ कूल एंड ऑसम गैजेट्स। इन सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। आप बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। लेट्स बिगिन। मूनसाइड नियॉन हैक्स। अपने रूम और घर को डेकोरेट करना या फिर कहें कि उसे एक बहुत ही आई कैचिंग और कूल लुक देने के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से आप अपने रूम को नेक्स्ट लेवल लुक दे सकते हैं। यह है मूनसाइड नियॉन हैक्स। गाइस ये मॉड्यूलर स्मार्ट लाइट है जिसमें कि आपको बहुत ही सारे लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे और तो और ये म्यूजिक पर भी रिएक्ट करती हैं, यानी इनके आसपास अगर आप म्यूजिक बजाते हो तो ये म्यूजिक की बीट्स के साथ सिंक होकर एकदम इमर्सिव फीलिंग दे देती हैं। अब क्योंकि गाइस ये स्मार्ट लाइट्स हैं तो इन्हें आप गूगल होम, अमेज़न एलेक्सा इन सबसे भी कंट्रोल कर सकते हो और इनके ऐप की मदद से इन्हें सीधे अपने स्मार्टफोन से भी मैनेज कर सकते हो। यानी गाइस बस इन्हें वॉल्स पर लगाइए एंड तगड़े तगड़े लाइट इफेक्ट्स के साथ ये आपके रूम को दे देगी एक अल्टीमेट और ऑसम लुक। अब गाइस ये दो डिवाइसेस हैं उनके लिए जो करते हैं वर्क फ्रॉम होम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। तो पहला है एंकर पावर कॉन्फ C300 वेबकैम एंड दूसरा है एंकर का ही कॉन्फ्रेंस स्पीकर फोन। बात करें गाइस वेबकैम की तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले होते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इस वेबकैम को परफेक्टली यूज करने के लिए software.anchor.com से आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो एंड ये है मेन प्रोडक्ट यानी कि वेबकैम एंड नॉर्मल नहीं बल्कि स्मार्ट फुल HD वेबकैम। क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 1080p का रिजोल्यूशन मिल जाता है 60fps के साथ। इसके साथ है इसकी केबल एंड प्राइवेसी के लिए है लेंस कवर। तो इस लेंस कवर को मैं लगा देता हूं वेबकैम पर। तो आपको सिंपली इसे स्टिक कर देना होगा वेबकैम पर एंड यूज ना होने पर आप इसे स्लाइड करके कैमरा को कवर कर सकते हो। इसे आप बहुत आसानी से अपने लैपटॉप या मॉनिटर पर लगा सकते हो एंड लगाने के बाद इसे अपनी जरूरत एंड कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन या एंगल पर सेट कर सकते हो। यानी गाइस ये फुली एडजस्टेबल होता है। नॉर्मल लाइट के साथ लो लाइट सिचुएशंस या नाइट में भी ये काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। एक या एक से ज्यादा लोग हो तो उन्हें भी ये रखता है फ्रेम में। ऑटो फोकस इसका इंस्टेंट एंड जबरदस्त है। एंड वहीं गाइस ये स्पीकर फोन आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में यूज कर सकते हो जिसमें कि आपको अल्ट्रा क्लियर साउंड मिल जाएगा वीडियो कॉल्स के दौरान एंड नॉर्मल वॉइस कॉल्स में भी। साथ ही आप इसे एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह से भी पर्सनली यूज कर सकते हो एंड इसके पाउच में डालकर इसे इजिली अपने साथ कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो आप। इन दो बटन में से एक है पावर बटन एंड दूसरी है ब्लूटूथ। पीछे की तरफ है USB, ऑक्स एंड पावर पोर्ट। ऑन करने पर ये दिखता है कुछ ऐसा एंड ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम एंड दूसरे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है इसका एक टच पैनल। तो कुल मिलाकर गाइस ये डिवाइसेस आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वर्क फ्रॉम होम को बना देंगे फुली क्लासी एंड प्रोफेशनल। वैसे तो गाइस गेमिंग सेटअप में बहुत सारे डिवाइसेज एंड गैजेट्स होते हैं, उन्हें नॉर्मली तो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन इस कॉम्पैक्ट गेमिंग डेस्क से आप अपने पूरे के पूरे गेमिंग सेटअप को अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपका पूरा सेटअप आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगा। सारे ही डिवाइसेज बिल्कुल अपनी जगह पर सेट मिलेंगे आपको, मतलब कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा या इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल रेडी टू प्ले सिस्टम। देखा जाए गाइस तो अभी तक ये बात सिर्फ छोटे डिवाइसेज के ही बारे में कही जा सकती थी, उन्हें आप ले जा सकते हैं अपने साथ कैरी करके, बट पीसी वाले बंदों को पोर्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो वेल गाइस उसका सॉल्यूशन है ये कॉम्पैक्ट गेमिंग डेस्क जिसमें कि आप अपने पूरे गेमिंग सेटअप को रखकर अपने साथ कैरी करके जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। आइसोनेक पिलो। पिलोज की बात कर ले तो भले ही आप सोचे कि भला एक पिलो का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, तो वेल ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। पिलोज आती तो बहुत सारी हैं, लेकिन गौर करिए कि इन सब की डिजाइन एक जैसी ही होती है। अब बात कर लेते हैं आइसोनेक पिलो की, तो जहां एक ट्रेडिशनल पिलो में नेक के पास में एक गैप रह जाता है, वहीं आइसोनेक पिलो हेड से लेकर अपर बैक तक बिल्कुल स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है और इसका शेप स्पाइन के नेचुरल कर्व को फॉलो करता हुआ रहता है जिससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है ये। इसके अलावा अगर आप साइड की करवट लेकर सोना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी इसमें ईयर होल इंडेंट और साइड नेक सपोर्ट के फीचर्स रहते हैं। गाइस ये पिलो दो तरह के मेमोरी फोम से मिलकर बनती है जिसमें नीचे की तरफ हार्ड फोम रहता है ड्यूरेबल फर्मनेस के लिए, वहीं टॉप पर होता है सॉफ्ट फोम जिससे हेड को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है एंड ये अलग अलग साइजेस में आती है। यानी कुल मिलाकर गाइस ये एक ऐसी पिलो है जिसमें ट्रेडिशनल पिलोज की लगभग सारी कमियों को दूर कर दिया गया है। गाइड लाइट 2 प्लस। हमारे घरों में बहुत सी जगहों पर हम आउटलेट्स देते हैं
लेकिन इन्हीं में एक छोटा सा चेंज करके इस डिवाइस की यूजफुलनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि गाइड लाइट 2 प्लस में किया गया है। ये एक आउटलेट नाइट लाइट होती है जो कि 2 ओपन आउटलेट्स देने के साथ साथ लाइट भी दे देती है। रात के टाइम लोगों को अक्सर ही उठना पड़ता है, ऐसे में अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है एंड अक्सर लोग किसी चीज से टकरा जाते हैं, तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आप गाइड लाइट 2 प्लस का यूज कर सकते हैं। इन्हें आप अपने बेडरूम, किचन, लिविंग रूम या फिर लगभग कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो जहां नॉर्मली हमें रात के अंधेरे में घर में इधर उधर जाने के टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना पड़ता है, वहीं गाइड लाइट 2 प्लस को इंस्टॉल करने पर ऐसा नहीं होगा एंड अंधेरे में आपको अच्छी खासी लाइट इसमें देखने को मिल जाएगी। दीवार में छोटा सा छेद करने के लिए तो मशीन आती है, लेकिन अगर आपको वॉल में काफी बड़ा होल करना हो और वो भी एक तरह का परफेक्ट होल, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्मार्ट बॉक्स शार्क टूथ फिक्स्चर बॉक्स का। वॉल्स में होल की जरूरत अक्सर पड़ जाती है क्योंकि कई सारी चीजों को वॉल पर इंस्टॉल करने के लिए एक बड़ा सा होल चाहिए होता है। ऐसे में गाइस ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस यूजफुल टूल से। इसे होल कर लेने के बाद सिंपली इससे वायर को पास करना होता है एंड इसके स्क्रूज को टाइट करके लगा देना होता है इसे वॉल पर। यानी गाइस जहां इस काम को करने में पहले घंटों लगते थे, स्मार्ट बॉक्स शार्क टूथ फिक्स्चर बॉक्स की मदद से आप ये काम बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। एंड क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि लाइट्स हो या दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हो, इन्हें वॉल पर इंस्टॉल करने के लिए एक होल करना ही पड़ता है, तो ये काम इस टूल से आप बेहद आसानी से कर सकते हैं। और गाइस अब देख लेते हैं व्हील इजी। अगर आपके यहाँ गार्डन है तो ये बात आप भी जानते होंगे कि गार्डन की केयर करना कितना मेहनत वाला काम होता है। मतलब अगर कुछ सामान गार्डन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है तो उसके लिए भी 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन व्हील इजी इस काम को बना देता है बेहद आसान। ये एक तरह की गार्डन कार्ट होती है दोस्तों, जिसमें आगे की तरफ रहता है एक व्हील, पीछे की तरफ इसे पकड़कर चलाने के लिए 2 हैंडल्स एंड बीच में रहता है ढेर सारा स्पेस, जिसमें कि आप किसी भी सामान को रखकर उसे इजीली कैरी कर सकते हैं इस कार्ट में। जैसे कि मान लीजिए आपके गार्डन में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ है एंड आपको उस ढेर को वहां से हटाना है, तो बस व्हील इजी पर उन पत्तों के ढेर को रख दीजिए और जहां चाहे वहां ले जाइए बहुत ही आसानी से। ये किसी भी ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर बहुत ही स्मूथली चलता है एंड फिर जहां भी आपको वो सामान अनलोड या डंप करना हो, इसे उठाकर आप इजीली उसे वहां पर अनलोड कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर गाइस जहां गार्डन में ढेर सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में काफी टाइम और मेहनत लगती है, वहीं व्हील इजी से आप इस काम को बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज आपको कौन सा प्रोडक्ट लगा सबसे धासु कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। वीडियो को करके लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स एंड प्रोडक्ट्स की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।